श्रम कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे, अपने मोबाइल पर या पीसी पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। श्रम कार्ड अप्लाई करने के लिए आपके आधार नंबर चाहिए, आधार नंबर के साथ अपने मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है और बैंक डिटेल्स चाहिए। 16 साल से 69 साल के बीच की पर्सन का वो भी टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, वो लोग श्रम कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। श्रम कार्ड एक आधार कार्ड की तरह ही 12 अंकों का एक यूनिवर्सल नंबर होता है। अपने मोबाइल पर श्रम कार्ड या पीसी पर अप्लाई करेंगे। आधार कार्ड के साथ अपने मोबाइल नंबर लिंक है तो आप खुद सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके आधार कार्ड के साथ अपने मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। आसपास के कोई शॉप है तो आप वहां जाकर सीएससी सेंटर में जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्रोम ब्राउज़र ओपन करिए। ओपन करके यहाँ पे ishram.gov.in सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद देखिए ishram.gov.in आपको क्लिक कर देना होगा। इसे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। ये ऑफिशियली वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर देखिए आधार लिंक मोबाइल नंबर, इसमें आपके मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर पर लिंक है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। नेक्स्ट इस कैप्चा को इसमें फिलअप करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO इसको नो रहेगा। फिर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट OTP इसमें डालेंगे जो कि मोबाइल नंबर में सेंड हो चुका है। नेक्स्ट सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अपनी आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद टर्म एंड कंडीशन इसे एक्सेप्ट करेंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपकी आधार नंबर जो मोबाइल नंबर में लिंक है फिर से इसका OTP सेंड हो चुका है। फिर OTP डालने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड डिटेल्स शो कर चुका है, टिक मार्क होगा। फिर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे इमरजेंसी मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। इसमें नेक्स्ट इसमें अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे मेरिटल टाटस मेरिट है तो आप मेरिट पर क्लिक करिए, नहीं तो नेवर मेरिट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट फादर नेम डालेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सोशल कैटेगरी, आपका कैटेगरी कौन सा है OBC। उसके बाद यहाँ पे सोशल कैटेगरी में अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद देखिए अपने ब्लड ग्रुप, आप अपने ब्लड ग्रुप जानते हैं तो यहाँ पे अपने ब्लड ग्रुप चूज करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे नो रहेगा। यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स डालेंगे, नॉमिनी नेम डालेंगे। उसके बाद नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ, इसमें कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईयर चूज करेंगे, मंथ डालेंगे, नेक्स्ट डेट चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर पर सिलेक्ट करेंगे। फिर रिलेशन विथ यू, आपके रिलेशन यहाँ पे क्या है नॉमिनी का, तो फादर। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद रेसिडेंशियल डिटेल्स, यहाँ पे आपका रेसिडेंशियल डिटेल्स देना पड़ेगा। होम स्टेट उड़ीसा, स्टेट सिलेक्ट करेंगे। फिर इसमें हाउस नंबर डाल देंगे। फिर इसमें लोकेलिटी में अपने एड्रेस डालेंगे। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे स्टेट पर स्टेट सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सब डिवीज़न सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पिन कोड बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। यहाँ पे स्टेइंग एट करेंट लोकेशन, आप अपनी लोकेशन में कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। फिर माइग्रेशन वर्कर, आप एक माइग्रेशन वर्कर है तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करके यहाँ पे रीज़न देंगे जैसे कि वर्क, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, एजुकेशन, मैरिज। यहाँ पे आप इस लिस्ट में नहीं है तो आप अदर्स करेंगे। दूसरे स्टेट में काम नहीं कर रहे तो आप नो कर देंगे। नेक्स्ट इसमें देखिए परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो इसमें चेक करेंगे, नहीं तो इसमें अनचेक करके आप इसमें परमानेंट एड्रेस डाल सकते हैं। तो सेम ही एड्रेस है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिलअप करेंगे, सिलेक्ट करेंगे ग्रेजुएट। नेक्स्ट एजुकेशनल सर्टिफिकेट यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद मंथली इनकम, आप अपने मंथली में कितने कमाते हैं, जैसे कि 10,000 से बिलो तो यहाँ पे 10,000 से बिलो सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन एंड स्किल, आप क्या काम कर रही हो यहाँ पे आप डालेंगे। तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं लेबर। और दूसरा तरीका है यहाँ पे आइकन पर क्लिक करके PDF ओपन हो जाएगा। इस PDF को आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हिंदी में आ चुका है और यहाँ पे इंग्लिश,
आप इसे किसी भी कोड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये सर्च कर सकते हैं। जैसे कि कर्व फार्म लेवरर्स, यहाँ पे कर्व फार्म लेवरर, यहाँ पे आपके वर्क एक्सपीरियंस कितने साल है, 5 ईयर्स। फिर उसके बाद सेकंड ऑक्यूपेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे आप कैसे ये काम सीखे हैं, तो आप किसी फॉर्मल वोकेशनल या ट्रेनिंग ली है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन चूज करेंगे, और किसी भी स्कीम का ट्रेनिंग नहीं ली है तो आप सेकंड ऑप्शन क्लिक करेंगे। नेक्स्ट 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इसमें देखिए बैंक डिटेल्स डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर दोबारा कन्फर्म के लिए इसमें अकाउंट नंबर डालेंगे। नेक्स्ट अकाउंट होल्डर नेम एंटर करेंगे, उसके बाद IFSC कोड डालेंगे, उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए बैंक नेम और ब्रांच नेम आ चुका है। नेक्स्ट 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक फॉर्म आ जाएगा, इसे आप सही तरीके से एक बार चेक करिए। इस फॉर्म को आप प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद सही से देखने के बाद आप इसमें टिक करेंगे, टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। ई श्रम कार्ड एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, पैन कार्ड आधार कार्ड की तरह 12 डिजिट का यहाँ पे नंबर रहेगा। ये रहा अपनी ई श्रम कार्ड, यहाँ पे देखिए इसमें नेम रहेगा, अपनी फादर का नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जेंडर, अपनी फ़ोटो रहेगा, आपकी ब्लड ग्रुप रहेगा, और क्या काम कर रहे हो, आपकी एड्रेस और अपनी मोबाइल नंबर डिटेल्स इसमें शो करेगा। पे डाउनलोड UAN कार्ड पर क्लिक करेंगे। इस कार्ड को आप नेमिनेशन करा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।